हे गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं हमारे द मोस्ट अवेटेड शादी के लिए। मोस्ट अवेटेड शादी राहुल की, और अब निकल रहे हैं हम उस शादी के लिए। और बोतरम जय भारत। तो अब रेडी, ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे पहले कूड़दार। लेकिन हमें जाना है पहले घर, क्योंकि घर इसलिए जाना है क्योंकि घर में है पूजा। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं घर। साहब सो रहे हैं, देखो सन्नाटा है। गाइस, हल्की हल्की सुबह होती हुई हम पहुंचने वाले हैं हरिद्वार कुछ ही देर में। 14 किलोमीटर दूरी पे हैं हम, लेकिन सुबह खिल रही है, दिन खिलने लग गया है। हमारे साथ है हमारे माता श्री, हमारे पिता श्री, और हमारी धर्मपत्नी जो सो गई है। हाँ, तो ठीक बन जाए ना। नहीं, गजल जान और हम पहुंच। हाँ, सो दोस्तों, हरिद्वार नगरी में आपका स्वागत है। और ये देखिए, यहाँ पर ये पुल बनकर तैयार हो गया है जो बहुत दिनों से बन रहा था, बाबा ढाबा जोधा बाबा ढाबा आश्रम। और ये क्या है बिल्डिंग, सब कुछ अलग बिल्डिंग है। और ये पहुंच लिए हम यहाँ, सुबह सुबह होने लगी है, थोड़ा बहुत दिन खिल रहा है अभी। और ये हुक हुक कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये श्री कृष्ण प्रणामी, ये दर्शनी। अरे देखो, हरा भरा तो ठीक है यहाँ, लेकिन देखते हैं अभी मित्रों कहाँ पहुँचते हैं मित्रों। अरे मित्रों, हम पहुँच गए हर की पौड़ी में। मित्रों यहाँ से आगे हर की पौड़ी है मित्रों। अच्छा, मैं समझ गया। आईटी लगता है कुछ है आज यहाँ पर। स्वागतम लिखा हुआ है, स्वागतम क्या सम्मेलन है, कुछ सम्मेलन है यहाँ पर आज लग रहा है ना, कुछ और सम्मेलन है। और इस तरफ ये झुग्गी झोपड़ियाँ, और इस तरफ ये सम्मेलन होगा। तो यहाँ पे इन झुग्गी झोपड़ियों से भी लोगों को बुलाया जाएगा अपने यहाँ पे स्वागत के लिए। और यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं शिव जी की मूर्ति वाले, शिव शंकर की मूर्ति के पास। और ये हमारी गंगा नदी की भात दर्शन कीजिए, माता गंगो को, गंगा जी माता। अरे हम शिव जी मूर्ति से गए, ओहो वो रहे शिव शंकर भोलेनाथ जी। जय हो बाबा। यहाँ भीड़ शुरू हो गई भाई, भीड़ शुरू हो गई हर बार में। तुम्हें नहीं फोड़ने देगा, सीधे चला यार। हर की पौड़ी माँ, अरे ये वो देखो, हर की पौड़ी में नहा रहे हैं लोग, नहाते जा रहे हैं। मैं दिखा दूँ यहाँ। ये सुंदर सी वादियाँ हरिद्वार की, गंगा नदी है इस जिस पुल के ऊपर जा रहे हैं हम, इसके नीचे गंगा नदी है। और हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे लगता है मौसम तो साफ है यार, यहीं पे लग रहा है पता, ठंडा मौसम साफ है। वैसे देखो मौसम साफ है। हाँ हाँ, कितना मस्त मौसम हो रखा है भाई साहब। अच्छा, और ये दोनों हमारे साथ बुजुर्ग लोग हमारे साथ, दो ठंडा लग रहा है। रजाई भी नहीं लाई तू, ठंडा लग रहा है बस ठंडा। अरे इस तरफ तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने, इस तरफ इन्होंने अच्छा बना रखा। देखो हाँ, इधर बैठने उठने के लिए बना रखा है इन्होंने। अच्छा, चंडी घाट है इधर बना रखा है इन्होंने। अच्छा, नहा सकते इधर से नीचे जाके वैसे। हाँ, इन्होंने बना रखा, अच्छा बना रखा है। तो थोड़ा बहुत विकास तो क्या हुआ, मतलब साफ सफाई तो हुई है। चलते ही हाँ हाँ, ये हर ऋषि के ऊपर मंदिर है। देखो मंदिर ऊपर है, मंदिर मंदिर जेसी भी, देखो जेसी सानी सानी कंपनी का सानी। दुर्गा माता का ये शेरों वाली माता है, शेरों वाली ये देखो, ये देखो। और मैं जिंदा है बीच में।
इधर रास्ते में कोटद्वार के लिए चिड़िंग चिड़िंग चिंग। मुझे है यहाँ पे खैरा पंजाबी ढाबा में शुद्ध शाकाहारी खैरा। पिछली बार भी हम यही रुके थे। सो के आया हूँ ये देख रहे ये वीडियो बना ये वो कर रहे हैं। आज पंजाबी ढाबा से निकलते हुए हम कोटद्वार की तरफ जा थोड़ा बहुत कॉफी पी ली। बुढ़ापा अपने चरम सीमा पर है, हमारे बाल सफेद हो गए हैं। देखिए ये टिश्यू पेपर का सफेद लग गया है हम में। अरे ये चोर ऐसे देख रहा है चोर चोर करके। मम्मी खूब बोरो प्लस लगाती हुई कि कल मिले ना मिले आज ही लगा देती हूँ सारा। कल मिलेगा नहीं ये बोरो प्लस, ये देखो बहुत बोरो प्लस लगा रही है। किसी ने दे दिया फ्री में तो बहुत लगा दिया मम्मी ने बोरो प्लस। और ये हम जंगल के रास्ते होते हुए जाएंगे। मुझे लगता है यार रोड कटने वाला है तो ये रोड चौड़ा होने वाला है ये, पर देखते हैं अब कब ये चौड़ा होगा कब ये रोड पक्का होगा क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है। यार इसी जंगल से होते हुए हम जा रहे हैं कोटद्वार की साइड। ओहो ये देखिए प्यारा सा चौड़ा। I just lost एक चोर। कड़व नगरी कोटद्वार में आपका स्वागत है दोस्तों। हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार में यहाँ पर, लेकिन हमें सीधे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऐसे लेफ्ट बिकॉज हमें जाना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और यहाँ से जा रहे हैं हम सीधे के सीधे इधर। बढ़िया यार बहुत इधर इधर की तरफ जंगल, पर यहाँ हाथी बहुत आते हैं। ठीक है तो ये इधर जा रहे हैं। और ये देखे गप्पे मार रहे हैं। कोटद्वार की गलियों में हमने रख लिया है कदम, अंदर जा रहे हैं हम घर की तरफ। लेकिन यहाँ रोड नहीं दिख रही है हमें, रोड बहुत बारीक बारीक रोड है यहाँ। पापा मुझे लगता है कि गलत आ गए हो तुम, हम सही उधर से आ रहे थे। सही स्मारक भी है, सही स्मारक तो है लेकिन यहाँ देखो बढ़िया है भी हरा भरा दिख रहा है। लेकिन ये हाँ ये है स्मृति द्वार पर वहाँ गेहूँ है, गेहूँ बो रखे हैं लोगों ने। अच्छा उनका घर दिख गया मुझे, उनका घर है उधर। हाँ क्या चलो चलो आगे से और रोड इधर से भी जाते हैं वैसे, पर हम नहीं जाएंगे इधर से क्योंकि हम फंस जाएंगे। अरे बताओ मैंने उनका घर किधर है, उनका घर तो यहाँ पे है। ये उधर लाना इधर राहुल घर आ रखा है क्या? हाँ वो राहुल घर आ रखा है, ये तो है। वो देखो राहुल घर आ रखा है, वही तो मैंने पहले देख लिया था उसको। राहुल गो आर बड़ तेरा तुझको आर क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे की आरती जो कोई नर गावे मैं प्रेम सहित गावे यद शिवानंद स्वामी कहत स्वामी अमृत बल पावे ओम जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। हम पहुंच गए हर राहुल के घर पे। यहाँ पर राहुल रंजन रावत फ्रॉम कोटद्वार। और ये ऊपर का घर यहाँ पे ऊपर भी बन गया, आप देखो ऊपर का फ्लोर राहुल नीचे से रखा है। खर ये है कोकोला अपने पति का सलवार पहन के इधर उधर घूमती हुई। पहला अब कर ले नाश्ता, अब कर ले।
अच्छा अभी वो साक्षी के लिए फोन नहीं किया होगा ना तूने? पकोड़े पूरी, पकोड़े पूरी और भिंडी की सब्जी। अभी तो बुआ बना रही है तो खा रहे सब। मेरी समझ तो तुम्हारा दिन कभी हो ही जाएगा यार।